आपकी ढेर सारे सपोर्ट के लिए आप सबका थैंक यू। और आज हम बात कर रहे हैं चैप्टर वन की लास्ट सेशन की, और लास्ट सेशन में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कुषाण वंश और हूण के साथ, और ये हमारे इस चैप्टर का सबसे लास्ट सेशन रहेगा। और कल हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और उनके साथ हम डिस्कस करेंगे कि इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आंसर क्या रहेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हूण और कुषाण वंश के साथ। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन इसका बनेगा वह है मध्य एशिया की बर्बर जाति कौन थी। तो मध्य एशिया की जो बर्बर जाति थी वह थी हूण, और हूण जाति भारत में कहां से प्रवेश हुई। तो हूण जाति ने भारत में उत्तर पश्चिम सीमा से प्रवेश किया, तो हूण जाति ने भारत में उत्तर पश्चिम सीमा से प्रवेश किया था। इन्हें और किस नाम से पुकारा जाता है। तो हूणों को दैत्य के नाम से भी पुकारा जाता है या दैत्य भी पुकारा जाता है। अगला क्वेश्चन है किस सरदार ने गुप्त साम्राज्य को नष्ट भ्रष्ट कर दिया था। तो हूणों के तोरमान नामक सरदार ने, हूणों के तोरमान नामक सरदार ने गुप्त साम्राज्य को नष्ट भ्रष्ट करके पंजाब, इसके अलावा राजपूताना, सिंध और मालवा पर अपना अधिकार करके महाराजा धीराज की पदवी धारण की थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है तोरमान के पुत्र का क्या नाम था या तोरमान का पुत्र कौन था। तो तोरमान का पुत्र था महीरकुल, ये तोरमान का पुत्र था, और इन्होंने अपना राज्य प्रारंभ किया था 510 ईस्वी से। और तोरमान के पुत्र ने अपनी राजधानी बनाई थी श्यालकोट को। तो तोरमान के पुत्र का नाम था महीरकुल, इन्होंने राज्य प्रारंभ किया था 510 ईस्वी से, और इन्होंने राजधानी बनाई थी श्यालकोट को। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि भारत की राजनीतिक एकता की समाप्ति कब से मानी जाती है। तो भारत की राजनीतिक एकता की समाप्ति हूणों के आक्रमण से मानी जाती है, और ये कहा जाता है कि हूणों के आक्रमण के कारण ही गुप्त साम्राज्य नष्ट हुआ था और भारत में राजनीतिक एकता समाप्त हो गई थी, और भारत बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया था। अगला हम स्टार्ट शुरू करते हैं कुषाण वंश के साथ, और कुषाण वंश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हैं, जिसमें सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन बनेगा वह बनेगा यूची या टोचेरियन किसे कहा जाता है। तो यूची या टोचेरियन कुषाणों को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है यूची कबीला कितने भागों में विभाजित था। तो यूची कबीला 5 भागों में विभाजित था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि कुषाण वंश के गौरव का संस्थापक किसे माना जाता है। तो कुषाण वंश के गौरव का संस्थापक फुजूल फड़फिसस प्रथम को माना जाता है, जिसका शासनकाल रहा था 15 ईस्वी से 65 ईस्वी तक, और इन्होंने दक्षिण के अफगानिस्तान, काबुल, कंदार और पाशा के बाग को अपने राज्य में मिला लिया था। अगला क्वेश्चन है यूची तथा टोचेरियन के गौरव के संस्थापक फुजुल फड़फिसस ने किस धर्म को अंगीकार किया। तो उन्होंने वैदिक धर्म को अंगीकार किया था। अगला क्वेश्चन है विम फड़फिसस द्वितीय का राज्यकाल रहा। तो विम फड़फिसस द्वितीय का राज्यकाल रहा 65 से 75 ईस्वी तक, और यह किस मत के अनुयायी थे। तो यह शैव मत के अनुयायी थे, और इनकी कुछ मुद्राएं भी थी जिन पर त्रिशूल, त्रिभुज, व्याघ्र, चर्माग्राही, नंदी अभिमुख, भगवान शिव की आकृति अंकित थी। अगला क्वेश्चन है इसका कि भारत में पहली बार अपने नाम से सोने के सिक्के चलाने वाला कुषाण शासक कौन था। तो भारत में पहली बार अपने नाम से सोने के सिक्के चलाने वाला कुषाण शासक विम फड़फिसस द्वितीय था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और हमारा जो अगला क्वेश्चन है कुषाण वंश के साथ ही है, और कुषाण वंश का जो अगला क्वेश्चन है हमारा वह है कनिष्क से संबंधित। तो हम शुरू करते हैं कनिष्क से संबंधित कुछ
क्वेश्चन और उनके आंसर डिस्कस कर लेते हैं। तो कनिष्क से संबंधित कुछ और क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और ये क्वेश्चन है हमारा कि कनिष्क राजा था, तो कनिष्क कुषाण राजाओं में से ही एक राजा था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कनिष्कपुर की स्थापना किसे जीतकर की गई और किन्होंने करी? तो कनिष्कपुर की स्थापना कनिष्क ने कश्मीर को जीतकर और कश्मीर में ही कनिष्कपुर नामक नगर को स्थापना करी या उसे स्थापित किया। इसके अलावा उन्होंने काशगढ़, यारकंद और खेतान पर भी विजय प्राप्त की थी। अगला क्वेश्चन है कि कनिष्क की प्रतिमा कहाँ पर है? तो कनिष्क की प्रतिमा मथुरा जिले में है। इसके अलावा महास्थान में पाई जाने वाली जो सोने की मुद्रा है उस पर भी कनिष्क की एक खड़ी मूर्ति अंकित है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि कनिष्क ने क्या वस्त्र पहने हुए थे? तो कनिष्क ने घुटनों तक चोगा और भारी बूट पहने हुए थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत में कुषाणों का शासन रहा था, तो उत्तर भारत में सबसे पहले कुषाणों का जो शासन रहा उसमें सबसे प्रमुख थे वो थे कनिष्क। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में कौन कौन सी विदेशी जातियां आई थी? तो भारत में तीन प्रकार की विदेशी जातियां आई थी, शक, हूण और कुषाण। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन है, कुषाण शासक में सर्वमान्य कौन था? तो कुषाण शासक में सबसे ज्यादा सर्वमान्य जो था वह था कनिष्क, और कनिष्क के द्वारा बौद्ध धर्म की सेवा की गई थी। तो अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है हमारा कि कनिष्क ने किस धर्म की सेवा करी? तो कनिष्क ने बौद्ध धर्म की सेवा करी और इसके अलावा वैदिक धर्म पालन और शैव मत की निष्ठा भी सर्वमान्य रही थी। और इन्होंने भारत में आकर यहाँ की समाज और संस्कृति में अपना आत्मसातीकरण कर लिया था। तो ये थे हमारे इस चैप्टर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आंसर। और इसी के साथ हम इस चैप्टर को एंड करते हैं और अगले सेशन के साथ हम चलेंगे। और हमारा अगला सेशन जो रहेगा वो रहेगा चैप्टर नंबर 2, 10th SST चैप्टर नंबर 2। तो तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। इको जेड को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। तब तक के लिए गुड बाय।